नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का नए चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। ये सबसे बेहतरीन चैप्टर है, हमारे क्लास टेंथ का पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर है तो शुरुआत भी अच्छी होनी चाहिए, पता है ना, बेहतरीन तरीके से। और हमारे पास इस चैप्टर में, चलो लिखने से पहले कुछ सुनते, क्या सुनते हैं कि चैप्टर का हमारे लाइफ से कुछ रिलेशन है क्या? है बिल्कुल। फिलहाल अगर हम बात करते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे एक पुराने दोस्त होते हैं, फिर कुछ नए दोस्त मिलते हैं, और पुराने दोस्त से अगर बातचीत कम होते रहती, ये फरेबी दोस्त वाले ही बात कर रहे हैं हम, सच्चाई दोस्त वाले नहीं। सच्चे जो दोस्त होते हैं वो पुराने को भी अच्छे मानते हैं और रखते हैं मेंटेन करके, जो फरेबी वाले होते हैं। एक्चुअली ये यहाँ होगा, मैं ये जो बता रहा हूँ ये होगा, और आज के टाइम में हो भी रहा है ना। मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई नया कुछ दिखता है ना, तो हम पुराने वाले को बोलते हैं, यार लीव इट स्विच इट, समझ रहे हो, लीव इट स्विच इट। तो फिर यहाँ भी कुछ ऐसा होने वाला है क्या? थोड़ा देखते हैं, सही में देखो क्या होने वाला है। ये इस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में ये बोल रहा है कि व्हेन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, समझ रहे हो भाई साहब, आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा है, व्हेन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। अब ये देखो मेरी लैंग्वेज नहीं है, एक्चुअली ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें, जो लिखा वही समझो, ये मत समझना कि मैं अपनी लाइन लिख रहा हूँ, ये जो लिखा है वही लिख रहा हूँ। मतलब पुराने बॉन्ड टूटते और नए जो बनते हैं ना, और अक्सर हम कहते हैं कि यार दोस्त पुराने अच्छे होते, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है, नए वाले थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि नए जो बॉन्ड बन रहे हैं ना, उनका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है रिलेटिव टू ओल्ड बॉन्ड्स। इस वजह से जो बॉन्ड बनता है और उससे जो रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई साहब, केमिकल रिएक्शन, है ना। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा है, सर हाँ सर अच्छी बात कर रहे हो, हमें भी फील हुआ है कि सर थोड़ा नया वाला ज़्यादा अच्छा है। फील को फील में रहने दो, यहाँ टॉपिक पे आओ, ठीक है, वरना फैल जाओगे फील के चक्कर में, क्लियर है। चलो देखते हैं, पहला रिएक्शन हमारे पास बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का है। स्कूल में आपने रिएक्शंस किए भी होंगे लेबोरेटरीज में, कि एक मैग्नीशियम रिबन दिया जाता है, इतना सा छोटा सा टुकड़ा, और वो जो एग्ज़ाम, मतलब जो लैब असिस्टेंट होते हैं, उनको लगता है कि हम इससे ज़्यादा देंगे तो उसके प्राण निकल जाएंगे। अरे भाई 10 रुपये का भी नहीं देते हो तुम, इतना सा टुकड़ा, थोड़ा बच्चों को थोड़ा बड़ा टुकड़ा दे दो यार, एक्सपेरिमेंट ही तो करना, उनको कौन सा ये खाना है, घर ले जाना है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तुम देते नहीं हो यार, पैसे तो भर भर के लेते हो। फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ कर लेते हैं, अगर हमारे पास होगा तो मैग्नीशियम रिबन कभी जला के दिखाएंगे आपको, कैसे बड़ा डेजलिंग साउंड होता है, बड़ा ये वाला साउंड आता है, देखते क्या होता है। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, अच्छा ये बर्न कर रहे हैं हम तो हवा के प्रेजेंस में ही बर्न करेंगे, बट आपको पता है कि हम ना चाहते हुए भी उसको एयर जो दे रहे हैं वो बर्निंग में हेल्प कर रहा, और उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो रहा। अगर हम एयर सप्लाई करना बंद कर देना तो वो बर्न नहीं होगा, भले आप कितना भी जलाओ। पीछे वाला बोल रहा है, बताए सर हम बिना ऑक्सीजन के भी जलाते किसी किसी को, किसी और को देख के ऐसा मत करो, यहाँ देखो किसी और को ना देखो, यहाँ देखो, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं और उससे जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। और यही प्रॉपर्टी जो चेंज हो रहा है मैग्नीशियम का, प्रॉपर्टी जो चेंज हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन का, यही बताता है कि भाई साहब ये एक जो चेंज है वो क्या है सर, एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है जो बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो देखो भाई साहब क्या लिखा है, क्या हमने लिखा है, ये हमने मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने बर्न किया, और क्या बना भाई साहब हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। पता है भाई साहब ये चैप्टर बड़ा शानदार है, इसमें ऐसे ऐसे रिएक्शंस दिखाऊंगा ना कि मज़ा आ जाएगा, लिटरली मज़ा आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि जो तुम नहीं चाहते हो ना वो यहाँ पे होते रहता है, ये सीन ऐसा है। और अच्छा इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी भी पूछता है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग। तो ऐसा ये होता है कि सर मैग्नीशियम रिबन जो हमारे लेबोरेटरी में रखा होता है वो एक टाइम से रखा होता है,
वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस होता है, और मॉइस्चर के प्रेजेंस में रहने के कारण उसके ऊपर में लेयर में सरफेस पे एक लेयर आ जाता है ऑक्साइड का। तो जो सैंड पेपर से उसको हम रब करते हैं तो उसके ऊपर का ऑक्साइड लेयर को हटाते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम जो है बर्न अच्छे तरह से, उसका बर्निंग अच्छा हो। ठीक है, क्लियर है? ये आप किए होंगे तो आपको अच्छा फील हुआ होगा। आप लोग घर पे भी लाला के, हम तो क्या करते थे भाई, हमें मैग्नीशियम रिबन मिलता था बहुत छोटा सा, स्कूल में इतना सा। स्कूल वाले बहुत बड़े क्या बोले मक्कार थे, स्कूल वाले नहीं थे मतलब जो लैब असिस्टेंट था वो था चौबे जी। तो करते क्या थे ना कि वो तो इतना देते थे, उसके बाद वो रोल होता था ना, वो रख देते थे ड्रॉअर के नीचे, और हम लोग बस इंतज़ार करते थे कि लैब ख़त्म कब हो। बस लैब ख़त्म होने टाइम में सबसे पहले ना निकलो और ना सबसे बाद में निकलो, पकड़े जाओगे, बीच में निकलो। और बस ये ध्यान दो कि वो किस पे ध्यान दे रहे हैं तुम्हारे अलावा। अगर तुम्हारे अलावा किसी और पे ध्यान रहे तब तक तो वो उठाओ पॉकेट में रोवा निकल लो, मैग्नीशियम रिबन घर पे जलाओ पटाखा बना बना के। ठीक है, तो चलो हमने एक रिएक्शन कर लिया, आगे के रिएक्शन थोड़ा हम देखने वाले हैं। क्या देखेंगे, चलो देखते हैं क्या क्या है। हाँ, अभी देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसको कैसे पहचानेंगे, वो तो खुद बताएगा नहीं, उसके प्रॉपर्टी को चेक करके। क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा है कि सर ये क्या है, प्रॉपर्टी है जिससे हम पता चलता है कि रिएक्शन होता है। तो इसके जो प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको देख के कैसे पहचाने कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, देख के पता चलता है कि कोई जल रहा है, देख के पता चल रहा है किसी को गुस्सा आ रहा है, देख के पता ये भी चलता है कि कोई खुश हो रहा है, और देख के पता ये भी चल रहा है कुछ तो हो रहा है ना। तो चलो कुछ तो हो रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है। मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन टाइम में मतलब कंप्लीशन टाइम में अगर आपको गैस लिबरेट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो रिएक्शन दिया, यहाँ पे लिखा भी कि सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, मतलब इवोल्यूशन अगर गैस हो रहा है तो वहाँ पे कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जिंक ग्रेन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, ये लिखा है उसमें, लिखा है आपके एनसीईआरटी में है, जिंक ग्रेन्यूल्स वाला रिएक्शन भी है इसके जस्ट वाला एक्टिविटी में है कि विन जिंक ग्रेन्यूल्स इज पुट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड नहीं होता है, और वो एक बबल रिलीज करता है, बबल रिलीज करता है उसके अंदर में। और बबल को अगर तुम बाहर लेके जाओ, अगर उस बबल जो होता है उस कंटेनर को, ऐसा कुछ कंटेनर होता है, टिंग टिंग यहाँ पे तुम्हारा ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसमें तुम थोड़ा सा जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दो और यहाँ से लिबरेट होता है ये पाइप के थ्रू और यहाँ से हवा निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, हवा नहीं कर, हाइड्रोजन गैस। अगर तुम यहाँ पे माचिस जलाओगे ना, यहाँ पे लेकर के माचिस जलाओ तो हाइड्रोजन गैस ये वाला आवाज़ देता है, कौन सा देता है भाई साहब, ये वाला आवाज़ देता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, पॉप साउंड कौन सा साउंड देता है भाई, पॉप साउंड। ठीक है, बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, पप साउंड के साथ बर्न होता है। देखो भाई साहब ये गैस जो लिबरेट हुआ ना, हाइड्रोजन गैस, इसी की वजह से हम कहते हैं कि भाई साहब ये रिएक्शन हो रहा है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिया हमने, सबसे पहले लिया जिंक, ठीक है, और इसको बर्न किस, इसको किस में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में डाला और जब ये रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला भाई साहब, जिंक सल्फेट मिला। ठीक है, जिंक सल्फेट मिला और साथ में क्या मिला हमको, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है। चलो एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ये आयरन सल्फाइड। फिर से हमने क्या किया, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला तो क्या मिला हमें, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट कहते हैं, फेरस सल्फेट इसको कहते हैं, आयरन सल्फेट भी कहते हैं। और हमें जो प्रोडक्ट मिला ये हाइड्रोजन गैस नहीं, इस समय मिला हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे जो गैस मिला ये हाइड्रोजन सल्फाइड मिला। क्या मिला भाई साहब, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, क्लियर है।
समझ में आया? मतलब अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई साहब रिएक्शन वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, लिख लिए, लिख लिए, कंप्लीट लिख लिए भाई साहब। तो चले आगे, चले आगे, चले आगे, क्या है आगे, क्या है? चेंज इन कलर, हाँ, रंग रूप बदलता है ना, किसी को गुस्सा दिलाओ लाल पीला चेहरा हो जाता है, वो वाला सीन चल रहा है। बट अब क्या करें भाई साहब, रिएक्शन ही ऐसा ऐसा लिख रहा है, बोल ही रहा है, कलर चेंज आ रहा है, गैस इवॉल्व कर रहा है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, करते हैं रिएक्शन करते हैं। क्या कर रहा है? चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंज आ रहा है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप तुम शादी में चले जाओ, किसी हस्बैंड वाइफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक जगह बैठे हैं और हस्बैंड के कुछ दोस्त दोस्त आए हैं, उसमें कुछ अपोजिट जेंडर भी है, आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर वो हस्बैंड उस अपोजिट जेंडर के करीब जाता है तो वाइफ के चेहरे पे जो चेंज इन कलर आता है, वो चल रहा रिएक्शन होता है, उसकी वजह से आता है। ये मेरा कहना नहीं है, मैंने ऑब्जर्व भी नहीं किया, मैंने किसी से सुना है और बताया है, किसी ने दिखाया भी है। देखो भाई, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो भाई साहब, कलर इन चेंज, यार क्या करूँ, एग्जाम्पल आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आ रहा है। सर्टेन केमिकल चेंज रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाई चेंज इन कलर। अगर कलर में चेंज आ रहा है तो वैसे सब्सटेंस के फॉर्मेशन को बोलते हैं कि भाई साहब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लीड ऑक्साइड है, लीड ऑक्साइड का इनिशियल कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। इसको क्या किया हमने, हीट कर दिया और हीट करने के बाद हमें मिला लीड मोनोऑक्साइड, और इसका कलर क्या है भाई साहब, येलो। अब इसके कलर में जब चेंज आया तो ये कहलाया कि भाई साहब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अगला रिएक्शन क्या है, कॉपर कार्बोनेट का। कॉपर कार्बोनेट कौन से कलर का होता है सर, ग्रीन कलर का होता है। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है। देखो मैंने कलर रखा है, आप लोगों के एग्जाम में कलर ऑफ द कंपाउंड पूछे जाते हैं, CBSE के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी कलर्स में यहाँ लिख रहा हो ना, टपाटप लिख लेना, ठीक है, घटाघट दिमाग में रख लेना। चलो भाई साहब, कॉपर कार्बोनेट को हमने हीट किया और हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड मिला। कलर क्या होता है भाई साहब, कलर होता है ब्लैक, इसको ब्लैक कलर का आता है, ठीक है। वैसे तुम ग्लूकोज को भी बर्न करोगे ना, ग्लूकोज C6H12O6, तो वो भी तुमको ये ब्लैक कलर देता है, ब्लैक कार्बन देता हो कहते हैं। अगला रिएक्शन होगा शायद, होना चाहिए, लिखा तो था मैंने, हाँ है। देखो शुगर का बर्निंग जो होता है C6H12O6 या C12H22O11, इसको जब हम बर्न करते हैं, ये एक्चुअली वाइट होता है, शुगर तो वाइट होता है, इसको अगर बर्न करते हैं ना तो ये कार्बन ब्लैक देता है, ये कार्बन ब्लैक देता है। इसको आप एक्सपेरिमेंटली कर भी सकते हो। कैसे कर सकते हो, अब देखो घर में अगर रिस्क लेने की क्षमता है मेरी तरह तो करो, क्योंकि पिटना भी पड़ता है। अब जिस बर्तन में करोगे, बर्तन तो काला होगा ही, क्योंकि ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है कलर ब्लैक होने वाला है। तो क्या होता है ना कि किसी कंटेनर को ले लो जो साफ सुथरा हो, जिसमें कलर पता चले कि ब्लैक है, पहले से ब्लैक मत लेना कंटेनर, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दो, पानी मत डालना, चीनी डाल दो और उसको हीट करो लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, लो फ्लेम पे। वो पहले तो मेल्ट होगा और कुछ टाइम बाद, 15-20 आधे घंटे बाद, उसके कलर में चेंज आएगा और वो ब्लैक कलर का हो सकता है, अगर प्योर शुगर है तो। मिक्स वाला की मैं गारंटी नहीं ले सकता, प्योर शुगर में कन्वर्जन होता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है ये वाला, ठीक है। अब तुम लोग बोले सर आप झूठ बोलते रहते हो, ऐसे ही, मैंने झूठ नहीं बोला, यहाँ लिखा है, मैंने बोल दिया और मैंने किया है, ये मैंने दिखाया नहीं अभी तक, दिखा दूंगा, अगर भी मौका मिलेगा तो रिएक्शंस दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब चेंज इन कलर हो रहा है तो क्या हो रहा है सर, ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। सबसे आखिरी नहीं, तीसरा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो क्या बोलते हैं सर, उसका प्रॉपर्टी है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब ये बताया जाता है प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के थ्रू कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो दिया हमने, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ बर्न किया और हमने क्या बनाया है, सोडियम नाइट्रेट और साथ में क्या मिला है, सिल्वर क्लोराइड, यही आपका प्रेसिपिटेट होता है। और इसका कलर लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रीन होता है, गटक लीजिए दिमाग में, ये आपका है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट जो कि जिससे आप पता करते हैं वो है आपका सिल्वर क्लोराइड, जो कि ग्रीन कलर का है, सिल्वर क्लोराइड, यहां लिख लो,
सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बैरियम क्लोराइड का, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बैरियम सल्फेट मिल रहा है और उसका कलर व्हाइट है। यहाँ पे ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यहाँ पे हमें ग्रीन प्रेसिपिटेट मिल रहा है। देखिए हमने 6-7 कलर आपको अभी तुरंत तुरंत में बता दिए, ठीक है, और तुरंत तुरंत में बताया तो दिमाग में तुरंत तुरंत जाना भी चाहिए। अगर आपको कलर नहीं याद होते हैं तो इसको एक पेज पे लिखिएगा और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिएगा जहाँ कि आप देख सके कलर को, ठीक है, याद रहेगा। ये हमारे पास बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, ठीक है, जिसका कि कलर हमें मिला वाइट और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिबरेट हुआ है। इसका कोई खास मतलब है नहीं, मतलब इसी से है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा एक और है क्या, क्या बात है, बढ़िया है यार, हमने तो अच्छे खासे रिएक्शंस आपको दे दिए, अच्छी बात है। सबसे पहले हमारे पास है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और रिएक्ट किया तो इसने क्या बनाया, सोडियम सल्फेट और साथ में फेरस हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, ये बेसिक होता है नेचर में, ये बेसिक होता है। ये मेरे को कैसे दिखा, यहाँ पे OH माइनस है इसकी वजह से, बेसिक होता है। इसका कलर क्या है सर, ग्रीन कलर का है प्रेसिपिटेट। अभी देखो दो ग्रीन मिले, एक सिल्वर क्लोराइड का, एक आयरन फेरस हाइड्रोक्साइड का या आयरन हाइड्रोक्साइड का, दो ग्रीन मिले, एक वाइट मिला, बेरियम सल्फेट आपको वाइट मिला। साथ में आपको जो यहाँ पे ये है सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक, काम का चीज आपका ये है फेरस हाइड्रोक्साइड जो कि ग्रीन प्रेसिपिटेट है और बेसिक इन नेचर है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ अच्छा ये दूसरा है फिर, चेंज इन एनर्जी। चलो चेंज इन एनर्जी क्या होता है, चेंज इन एनर्जी क्या होता है, अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन करने के टाइम में अगर हीट लिबरेट हो रहा है या फिर हीट इसको रिक्वायर्ड हो रहा है, ठीक है, या हीट लिबरेट हो रहा है या हीट रिक्वायर्ड हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कि भाई साहब उसमें एनर्जी चेंज आ रहा है। अब ध्यान से देखो, अब जैसे सिंपल सा एक चीज़ है फोटोसिंथेसिस, जो कि हम लोग बहुत बार देखते हैं, तो क्या होता है कि सन से वो सन रेज लेता है तो उसके सन रेज में वो फोटोन्स एब्जॉर्ब करता है और फोटोन्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सन से, तो क्या कर रहा है, रिएक्शन करने के लिए ना, रिएक्शन करने के लिए, उसके खुद को, खुद के फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब करके भी रिएक्शन किया जाता है और एनर्जी लिबरेट करके भी रिएक्शन किया जाता है। जैसे एक और चीज़ मैंने भी किया था, मैं बहुत बार किया हूँ ये चीज़ बता रहा हूँ मैं तुमको, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे तुम चूना जानते होंगे, चूना जो होता है जो कि वाइट वॉशिंग में इस्तेमाल किया जाता था, अभी नहीं इस्तेमाल किया जाता है, गाँव में अभी इस्तेमाल किया जाता है, शहरों में नहीं। तो उस चूना को, मतलब हम लोग क्या होता था कि पाउडर में उसको कन्वर्ट करते थे, तो उसको नीचे ज़मीन पे रख दिए किसी बोड़े वोड़े पे डाल करके या प्लास्टिक पे डाल करके, और उसके ऊपर पानी का स्प्रे डालते थे हाथ से या फिर किसी मग से ऐसे पानी वानी डालते थे, तो भयंकर तरीके का वो हीट लिबरेट करता था। मतलब वो हीट इतना लिबरेट करता था कि अगर फ्लोर पे रखा है तो उसके सामने हाथ रखो तो हाथ जलने लगता था, ऐसा लगता था, मतलब ऐसा जलता नहीं था, फील आता था कि बहुत गर्म हो रहा है। हाँ, उसको अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहो तो छोटा सा टुकड़ा एक ले लो चूना का, चूना जो वाइट वॉशिंग में आता है, खाने वाला नहीं, खाने वाला तो पूरा वो उसका एनर्जी लिबरेटेड होता है, वाइट वॉशिंग वाला, उसको क्या करो हाथ पे रख लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, गारंटी देता हूँ, ट्रस्ट करो मेरे पे, जो होगा मैं देख लूँगा। हाथ पे रखो और उस पर 2-3 बूंद पानी डालो, तुमको वो जो है ना चूना, उसका रिएक्शन ऑब्जर्व करना, वो धीरे 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 फटता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे फटेगा, और फटने के बाद जैसे वो फटता रहेगा ना, मतलब वो एक्सपेंड करता है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, मतलब वो रिएक्शन कर रहा होता है, आपको ऑब्जर्व होगा,
वो तुम्हारे इस पाम सरफेस को भी हीट कर रहा होता है, समझ गए? मतलब वो हीट लिबरेट कर रहा होता है जिसकी वजह से तुमको वार्म फील होता है। बहुत ज़्यादा हाथ नहीं जलाएगा, जब अगर जलने लगे ज़्यादा तो फेंक दे, रिएक्शन ऑब्जर्व करने से मतलब है ना, ठीक है? ये कुछ रिएक्शन से मैं सही में मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर को होते होते मैं रिएक्शंस कुछ मतलब प्रैक्टिकली दिखाऊँ भी तुमको, ताकि मज़ा आए तुमको, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। अभी जस्ट हमने रिलीज वाली बात की, एब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस में बात कर ली, तो चलो इनके बेसिस पे क्या क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडो का मतलब इनसाइड, यार हम गलत लिख देते हैं, स्पेलिंग भुला जाते हैं, क्या बात है भाई, ख्यालों में डूबे हैं का? इनसाइड मतलब अंदर, एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसको, ठीक है? तो ऐसे रिएक्शंस को एंडोथर्मिक बोलते हैं, मतलब ए केमिकल रिएक्शन विच इज कैरीड आउट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक एनर्जी। मतलब जो हीट रिक्वायर्ड करे उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि कार्बन सल्फर के साथ रिएक्ट किया हीट एब्जॉर्ब करके और कार्बन सल्फाइड बनाया, ठीक है? और जो कि लिक्विड स्टेट में बना, क्लियर? आप आगे कैल्शियम वाला भी देखे हो, कैल्शियम वाला जो मैंने बताया उसको लिखा नहीं है, बट यहाँ सनलाइट वाला मैंने लिख दिया एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में होता है वो कैल्शियम वाला। हाँ ये वाला देखो, कैल्शियम वाला, यहाँ देखो, लाइट एनर्जी इज एन एजेंट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड एंड ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब वो खुद का खाना बनाने के लिए जो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और वो जो रिएक्शन हो रहा होता है, तो इस रिएक्शन को, फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं, ऐसा है, ठीक है? एंडोथर्मिक हो गया, अब हमारे पास है एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब आउटसाइड, बाहर की तरफ, ठीक है? बाहर की तरफ, फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या बोले, अभी जस्ट हमने जो समझाया था चूना वाला जो एग्जाम्पल था, बेस्ट एग्जाम्पल था, यहाँ पे दिया भी है। अब यार ये क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम वाला भी है, मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग, वो देखो अभी जस्ट हमने किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हीट का रिक्वायरमेंट था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ में हीट एनर्जी मिला। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड था, इसमें हमने सिर्फ पानी डाला, ऑटोमेटिकली ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ लिख लो कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ हमने क्या ऐड किया, वाटर, तो क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और साथ में जो मिला हमें वो हीट एनर्जी मिला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ में आया था, मैंने शायद बताया भी था कार्बन कंपाउंड में कि स्ट्रीट लाइट को बर्न करने के लिए, उसमें लाइटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, और एक्चुअली ये कंबसन रिएक्शन के नाम से जाना भी जाता है, कंबसन रिएक्शन के नाम से, क्योंकि अगर मीथेन में, ये मीथेन है आपका, ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं तो आपको लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट लिबरेट करता है, ये पर्टिकुलरली कंबसन रिएक्शन के नाम से जाना ही जाता है, ठीक है? तो ये बेसिक हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक निपटा लिए हैं, और इसके बाद का जो टाइप है उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद कौन सा है, कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज इन स्टेट, हाँ स्टेट में चेंज, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है और उसके स्टेट में चेंज आ रहा है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसके स्टेट में अगर चेंज आ रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं कि ये स्टेट इन चेंज वाला रिएक्शन है। अब देखो ये चीज़ हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्टेट चेंज को कैसे देख सकते हैं, मतलब सर अगर हम फ्रिज में पानी का बॉटल रखें, ठीक है, और वो पूरी तरह से फ्रिज हो गया तो सॉलिड हो गया, बॉटल को बाहर रख दिए लिक्विड हो गया, तो चेंज आ गया स्टेट में? नहीं, ये सोचना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, आप स्टेट में चेंज देख रहे हो लेकिन वाटर का जो कंपोजिशन है वो सेम रहा। सॉलिड में भी H2O था, लिक्विड में भी H2O था, या उसको हीट कर दो तब भी H2O रहेगा, वो H2O से कोई और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको नहीं दे रहा है।
तो ये ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर चेंज इन स्टेट में वाटर का लग सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो रख लो एग्जाम्पल। लेकिन वही होता है, एग्जामिनी उसको गलत इसलिए साबित करता है क्योंकि उसमें ये ढूंढता है कि सर आपका स्टेट में चेंज हो रहा है, बिल्कुल सहमत है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके प्रॉपर्टी में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से उसका केमिकल कंपोजिशन कोई चेंज नहीं हो रहा। केमिकल कंपोजिशन चेंज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं स्टेट इन चेंज वाला। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो अभी तुम बोलोगे सर वाटर का बात कर रहे थे, अभी एग्जांपल ही वाटर दे दिया, बोलोगे तो फंसा दिया आप लेकर के हम ही को। अरे नहीं भाई, नहीं फंसाया, थोड़ा ध्यान दो इसको। H2 जो था और O2, ये गैस में था दोनों। ये पहले सुन लो, पहले सुन लो इसकी बात को, फिर ध्यान से समझना। दोनों गैस में था, आपका जो H2O बना ना ये लिक्विड बन गया, ठीक है, क्लियर है। अब बोलोगे सर लिक्विड बना, चलो ठीक है मान लेते हैं स्टेट में चेंज आया, लेकिन इसके प्रॉपर्टी में क्या चेंज आया? प्रॉपर्टी में ये चेंज आया है कि H2 जो है ये एक ज्वलनशील है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, ठीक है। H2 जो है एक इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, और ऑक्सीजन जो है बर्निंग में हेल्प करता है। देखो दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, एक जलता है और एक जलने में हेल्प करता है, ठीक है, एक जलता है और एक जलने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन वही दोनों को अगर साथ में मिला दो तो बनता H2O है, जो कि आग बुझाने का काम आता है, आपको पता भी है। तो देखो सर यहाँ प्रॉपर्टी तो चेंज हो गया इसका, इसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया ना, स्टेट तो चेंज हुआ साथ में केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया, मतलब ये आग बुझाने का काम करता, इधर आग लगाने और आग बनने का काम करता भाई साहब। मतलब देखो ये आग लगाता है तार आग बुझाता है, कितना अच्छा रिएक्शन, समझ में आया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अमोनिया हमारे पास है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों जो मिक्स हुए तो इसके स्टेट में चेंज आया, क्या बना? गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आया, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बन गया, समझ में आया। और अमोनियम क्लोराइड का प्रॉपर्टी पूरी तरह से इससे डिफरेंट है, पता है इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ये NH4+ और Cl- के फॉर्म में रहता है, ये एक आयनिक बॉन्ड रखता है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आयनिक बॉन्ड रखता है, तो स्ट्रांग भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को निपटा लिया। उसके बाद जो हमारे पास है ना, पता है क्या है? केमिकल इक्वेशन। एक्चुअली बच्चों के साथ कन्फ्यूजन ये होता है कि सर केमिकल इक्वेशन लिखें कैसे, क्या करें, नहीं समझ में आता है, जब भी लिखते हैं गलत हो जाता है या कुछ और लिख देते हैं। तो अभी जितने भी केमिकल इक्वेशन हमने लिखे हैं उनको लिखने का तरीका सीखना इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने टाइप्स नहीं, हमने तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, अब एक्चुअल बात आती है कि केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं, ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे चलते। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। क्या है सर? एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है, जो कि सिंबल्स या फॉर्मूला के हेल्प से लिखा जाता है उन सब्सटेंसेस को जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो क्या है? एक तरह का सर ये एक रिप्रेजेंटेशन है शॉर्ट हैंड में, जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को हम उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं आगे क्या क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो है वर्ड रिप्रेजेंटेशन। वर्ड रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब सर इसको वर्ड में लिख दो, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बना। इसमें हमने कहीं कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं किया है, पूरे वर्ड्स में लिखे हैं। और जब हम बोलते हैं तो कोई रिएक्शन बोलते हैं तो पता है आप यही चीज बोल रहे होते हो, लिखा सिंबल में होता बट बोल रहे होते वर्ड्स में, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा वर्ड रिप्रेजेंटेशन कहलाता। अब इसी को अगर हम सिंबल में रिप्रेजेंट कर दें तो जिंक का सिंबल क्या है सर? देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जिंक को ZN से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हैं HCl से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये प्रोडक्ट बनता है तो जिंक क्लोराइड बनता है ZnCl2 और साथ में लिबरेट होता है हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ये सब क्या है? सिंबल्स ही तो है। तो ये पूरे से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर है, समझ में आया। मान लो कि हमने एक दो रिएक्शंस और लिख लिए, मान लो एक दो रिएक्शंस और लिख के देखते हैं,
ये हमारा रिएक्शन वन था, ये रिएक्शन टू ले लो। मान लो कि तुमने क्या किया, तुमने कैल्शियम ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया SO4 और इसका प्रोडक्ट बनाया, तो क्या तुमसे बनेगा? तुम देखो यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम प्लस टू में एग्जिस्ट करता है, अभी यहाँ फ्री स्टेट में जीरो में है, सल्फेट पे माइनस टू है, हाइड्रोजन पे प्लस वन होता है, इसकी वजह से प्लस टू हो गया, दो हाइड्रोजन है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से डिस्प्लेस करेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैल्शियम सल्फेट और साथ में क्या लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? क्लियर है। और ये जो कैल्शियम है, ये सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा एक्वस फॉर्म में होगा, यहाँ तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये तुम्हारा एक्वस ही बनेगा और ये गैस लिबरेट होगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है। तो वर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये हमने अच्छे तरीके से देख लिया। अब जो बात आती है वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात आती है। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, उसको लिख करके बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो बैलेंसिंग करने के लिए कुछ रिएक्शंस हम लिखेंगे, ठीक है, उन रिएक्शंस को हम भी बैलेंस करेंगे, साथ में आप भी बैलेंस करेंगे। तो मान लो हमने एक रिएक्शन ले लिया, जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तो प्रोडक्ट बन गया जिंक क्लोराइड ZnCl2 और साथ में क्या बना? हाइड्रोजन गैस। ये सबसे छोटा रिएक्शन है, ठीक है, इसको बैलेंस करके हम आपको सिखाते हैं कैसे करते हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ये जो है ये हम बोलते हैं कि ये हमारा रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये पोर्शन हमारा प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, आराम से समझ जाइएगा। अब हमारे पास क्या क्या है सर? हमारे पास रिएक्टेंट में जिंक है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। देखिए प्रोडक्ट में, देख लीजिए प्रोडक्ट में भी जिंक क्लोरीन और हाइड्रोजन है, तो जिंक हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जिंक कितने हैं? जिंक सर एक है। हाइड्रोजन कितने हैं? सर एक है, और क्लोरीन भी एक ही है, देखिए यहाँ क्लोरीन है। इधर देखिए जिंक आपके पास एक है, हाइड्रोजन कितने हैं? सर दो है, और क्लोरीन कितने हैं? सर क्लोरीन भी दो है। अब देखिए ध्यान से इस चीज़ को कि सर आपका जो है जिंक एक एक बैलेंस है, बट हाइड्रोजन एक है, यहाँ दो है, यहाँ है क्लोरीन एक है, यहाँ दो है, तो इसको दो करने के लिए हमें इसको भी दो करना पड़ेगा, मतलब दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दो हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना क्या है कि सर अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर उसी को मल्टीप्लाई तब होगा जब वो खुद अकेले हो। अकेले हो कहने का मतलब वो किसी और के साथ ना हो। किसी और के साथ कहने का मतलब सर हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन है या नहीं, ये देखो, या देखो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ में ही, मतलब ये नंबर हाइड्रोजन को भी जाता है, तो यहाँ भी क्या हो गया? ये टू। अब ध्यान से देखो हमने क्या किया, सेम नंबर ही दोनों जगह मल्टीप्लाई हुआ है, और ये जो नंबर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये, ठीक है, ये नंबर जो है हम यहाँ पे आके लिखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, बैलेंस है, पूरी तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। और इस नंबर का, इस नंबर जो है ना, ये जो हमने लिखा है नंबर, ये वाला जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा, इस नंबर को एक नाम से रिप्रेजेंट करते हैं और वो नाम हम आपको बता देते हैं। ये नाम, इसका नाम है STOICHIOMETRIC, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको हायर क्लासेस में ये काम में आएगा, ठीक है। क्या होता है, मैंने इसको लिख दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो आप बोलोगे सर बाकी सब में नहीं है? बाकी सब में भी है मेरे दोस्त, देखो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो वन है, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ भी वन है, मतलब इन सब का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर पता करोगे तो सर ये तो वन निकल गया, इसका सर वन निकल गया, इसका इसका भी वन निकल गया, समझ में आ गया स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, क्लियर। इसका अगर तुम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे सर? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा इसका?
यही हो जाएगा। हमने तो यहाँ टू लिख के आपको बता दिया है, एक्चुअली ये पहले अनबैलेंस था, अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो लिखेंगे जिंक प्लस टू एच सी एल गिव्स जेड एन सी एल टू प्लस एच टू गैस, ये आपका पूरी तरह से बैलेंस हो गया। समझ में आया, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है? चलो कुछ रिएक्शंस मैं आपको देता हूँ होमवर्क के तौर पे, ये आप करिएगा, अगर डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले क्लास में हम इसको सॉल्व करा लेंगे, ठीक है। मान लो हमने लिया कॉपर, नहीं अलग ले लो, कॉपर नहीं लो, कुछ और ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, कैल्शियम और कार्बोनिक एसिड ले लो, और इसका प्रोडक्ट मैं भी बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। एक और ले लो, तीसरा आयरन और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मैंने रख दिया, अगले ले लेते हाइड्रोक्लोरिक एसिड Fe प्लस HCl। अच्छा कुछ के मन में सवाल आएगा, सर इसका चार्ज क्या ले, आयरन का तो प्लस टू भी होता है प्लस थ्री भी होता है, तो यहाँ पे अभी तुम प्लस टू का लेकर के चलो, ठीक है। अगले केस में मैं प्लस थ्री दे देता हूँ, Fe प्लस थ्री प्लस HCl और बना लो प्रोडक्ट, यहाँ पे प्लस थ्री है, थोड़ा सा देखो, यहाँ मैंने प्लस थ्री लिया। एक और रिएक्शन ले लो, सोडियम और सल्फ्यूरिक एसिड, और रिएक्शन ले लो मैग्नीशियम और नाइट्रिक एसिड, और रिएक्शन ले लो मैग्नीज और नाइट्रिक एसिड, ये करते जाओ तुम मेरे बारे में सोचो, और रिएक्शन है ना, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस कर देते हैं, दस अच्छा लगता है। क्या ले लोगे, एल्युमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, और दस कर लो एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन आप कर भी लेना और इसको बैलेंस भी कर लेना, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा है। एक दो रिएक्शन मैं कर देता हूँ, अगर बोलोगे तो मैं कर देता हूँ, एक कौन सा कर दूँ, नाइट्रिक एसिड का कर देता हूँ मैग्नीशियम के साथ, देखो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या होगा, मैग्नीशियम पे प्लस टू होता है, मैग्नीज पे भी प्लस टू ही होता है, ये प्लस टू है, नाइट्रिक एसिड पे माइनस वन, यहाँ प्लस वन, मैग्नीशियम पे दो नाइट्रिक एसिड आएगा, दो नाइट्रेट आएगा, तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अरे यार H2 गैस। अब तुम्हारे मन में आएगा सर आप ये कैसे लिख दिए, तो देखो इसको कैसे लिखा है, मैग्नीशियम पे चार्ज क्या था प्लस टू था, यहाँ देखो, और नाइट्रिक एसिड पे क्या था, क्या था NO3 पे माइनस वन, अब इस चार्ज को एक्सचेंज कर दो, तो यहाँ वन आया और यहाँ टू आया, अब इसको अगर तुम लिखोगे, ये देखो ये पूरा है ना, तो इसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा Mg, यहाँ वन लिखो, यहाँ लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाइट्रिक एसिड का NO3 और यहाँ क्या है टू है, तो थ्री के बाद टू लिखना है, तो इसको ब्रैकेट में लगा के लिखो, यही चीज़ है, यही आया ना, सेम प्रोडक्ट आ गया। अब इसको बैलेंस कर सकते हो, बैलेंस मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो आज हमने केमिकल रिएक्शन निपटा लिए, टाइप्स आ गए जो है ना, अब हम स्टार्ट जो करेंगे ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में, क्लियर है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।